यह है विद्युत वितरण निगम बिजनौर का ऑफिस, जहां पर जूनियर इंजीनियर संदीप कुमार गुप्ता को एससी रणजीत सिंह यादव गांव में कैंप लगाने को लेकर फोन पर चमकर अड़का रहे हैं। और इतना ही नहीं, गुस्साए एससी ने गंदी गंदी गालियां दे तक डाली, जिसे लेकर एकजुट होकर सभी जूनियर इंजीनियर हड़ताल पर चले गए और ऑफिस में जमकर एससी के खिलाफ नारेबाजी की। वैसे जूनियर इंजीनियर ने इस मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों तक लिखित में करवा दी। आपका देवेंद्र यादव, जनपद अध्यक्ष, राज्य विद्युत परिषद जूनियर संगठन बिजनौर। देवेंद्र जी, आज आप यहाँ पर बिजली घर पर इकट्ठा हुए हैं, क्या है पूरा मामला? अधीक्षण अभियंता इंजीनियर आरएस गुप्ता जी द्वारा, आरएस यादव जी द्वारा जूनियर इंजीनियर इंजीनियर संजीत गुप्ता को मोबाइल पर माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ दी गई। उसके उपलक्ष्य में जो है हम लोग यहाँ अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर आए। अधीक्षण अभियंता द्वारा फ़ोन पर वार्ता की गई। उनके द्वारा बताया गया कि मैं मुरादाबाद मीटिंग में हूँ, वो अपने कार्यालय से अनुपस्थित रहे। और मोबाइल पर उनके द्वारा बताया गया कि मतलब जो है मैंने कोई गाली नहीं दी है और ना मुझे याद है। मैंने बताया कि आपको व्हाट्सएप पर मैं भेज चुका हूँ, आप वो रिकॉर्डिंग सुन लें। अच्छा, आप क्या चाहते हो? दिनांक 7/12/2017 को यदि सार्वजनिक रूप से संगठन के समक्ष जो है इंजीनियर संजीत गुप्ता से माफ़ी नहीं मांगी गई, तो दिनांक 8/12/2017 से अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर जूनियर इंजीनियर समूह धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होगा। यदि आपकी मांग पूरी न हुई तो आपका अगला कदम क्या होगा फिर? अगला कदम जो है मुख्य अभियंता मुरादाबाद और MD पश्चिमांचल द्वारा जो है अधीक्षण अभियंता बिजनौर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए।